दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आप देख रहे हैं डीके द रॉकस्टार चैनल। मैं हूं दीपक कुमार सुनर। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे चैनल पे हमेशा ब्लॉगिंग, सिंगिंग और यू डांसिंग की वीडियो बनाने के मैंने वादे किए थे, जो कि मैं धीरे धीरे आप सभी लोगों को पूरे करने जा रहा हूँ। आज मेरे चैनल पे कुछ नया, कुछ खास दिखाने के लिए आपको ले जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं अपने चैनल पे तीसरी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ एक मोबाइल की। वो मोबाइल दोस्तों जो 2-3 महीने पहले लॉन्च हुआ था, जिसका नाम मैं थोड़ी देर में रिवील करूंगा, वो तो बॉक्स आप लोग देखने वाले ही हैं। बहुत ही किफायती, बहुत ही बजट पे और बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस के साथ वो मार्केट में आया है। आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि अभी बिग बिलियन डेज और अमेजोन पे अच्छे अच्छे डिस्काउंट के साथ ही मोबाइल मार्केट्स एकदम से निखर के आए हैं। सभी लोग के पास हर प्रकार के मोबाइल हैं, बट इस मोबाइल पे कुछ नया है, कुछ दमदार फीचर्स हैं जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए मेरे साथ, यूं ही आप लोग का प्यार बनाते रहिए। पिछले 1 महीने से मैं कुछ वीडियो दे नहीं पाया, जहाँ पे मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, तो आप सभी, आशा है कि आप सभी मुझे माफ कर देंगे। यूं ही प्यार बनाए रखिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये देख पा रहे होंगे आप, मेरा अभी चश्मा निकल चुका है। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे लाइट्स की वजह से आंखों में इतनी रिफ्लेक्ट पड़ रही है कि मैं बॉक्स के बारे में, वहाँ मोबाइल के बारे में पढ़ के आपको बता नहीं पाऊंगा। अभी मैंने चश्मा निकाल दिया है, लाइट्स थोड़ी कम कर दी है, शायद वीडियो क्वालिटी भी थोड़ी कम मिल रही होगी, उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो दोस्तों मैं जिस मोबाइल की बात कर रहा था वो है ये Zenfone Max M1 Pro। देखिए काफी किफायती है, इसका नाम रिवील कर दिया है। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए इसके अनबॉक्सिंग और इसमें फीचर्स क्या क्या है वो सब बताने जा रहा हूँ, तो प्लीज बने रहिए मेरे साथ, ये मैं आपकी धीरे से बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए Zenfone Max Pro M1, जिसके अनबॉक्सिंग मैं करने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ काफी अच्छा, तो इसको करते हैं धीरे से अनबॉक्सिंग। वाओ कितना अच्छा सुंदर दिख रहा है, जिसको देखते ही काफ़ी, यहाँ पे लिखा गया है वी लव द फोटो। तो देखते हैं ये इसके अंदर क्या क्या और छुपा हुआ राज है। तो आप लोग के लिए यहाँ पे सामने लिखा है वी लव फोटो। ऑफकोर्स दोस्तों हम लोग को फोटो बहुत ही अच्छी लगती है, इसके कैमरे क्वालिटी बहुत ही अच्छी दिखने को मिलती है। अगर इसको पलटा के देखते हैं यहाँ पे अंदर देखते क्या क्या, सबसे पहले सामने है एक सिम इजेक्टर टूल, जिसमें अगर मैं ध्यान से देखूँ एक स्माइली की तरह इस इजेक्टर में काफ़ी दिए गए हैं। अगर इसके अंदर की मैं बात करूँ, यहाँ पे कुछ लीफलेट्स हैं जहाँ पे EMI स्टिकर्स और वारंटी कार्ड्स और कुछ मैनुअल पार्ट्स हैं, जिसको आप लोग पढ़ना ना भूलेगा। अगर बॉक्स की तरफ देखें तो काफ़ी अच्छी बनावट है, जहाँ पे लिखा गया है इसका EMI नंबर और 5.99 इंच फुल एच डिस्प्ले। जहाँ पे इसकी बात करते हैं 5000 बैटरी और स्नैपड्रैगन 636 और फुल एच डी डिस्प्ले। अगर इसको 2 मिनट के लिए मैं अगर साइड करूँ तो यहाँ पे देखते हैं अंदर इसके अंदर क्या मिलता है। यह है एक सिलिकॉन केस बॉक्स, जहाँ पे क्वालिटी लग रही है बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम है। हर दोस्तों में इस फ़ोन पे ये हमेशा आता है, जहाँ पे क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी दिखने को मिल रही है और इसकी बिल्कुल बिल्ड क्वालिटी और इसकी बहुत ही अच्छी एकदम मुझे महसूस हो रहा है कि एकदम फ़ोन प्रोटेक्शन के लिए ये काफ़ी एसुस ने अच्छा काम किया है। इसमें और कुछ नहीं है, इसको भी रखते हैं 1 मिनट के लिए साइड में। ये देखिए दोस्तों सामने फुल 5.99 इंच का फुल एच डी डिस्प्ले का एक फ़ोन देखने को मिल रहा है, जिसकी पैकिंग कुछ इस तरह से की गई है। काफ़ी अच्छी लुक है इसकी, अगर आके पीछे ऊपर नीचे से बात करें तो बहुत ही अच्छी दिखने को मिल रहा है। एक बार के लिखते फ़ोन को साइड में देखते हैं अंदर क्या क्या है। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आपको मिल जाता है एक USB टाइप केबल, जिसमें देखते हैं कौन सा पोर्ट दिया गया है, टाइप सी या टाइप USB। ओह माय गॉड, इसमें टाइप USB केबल है, इसको भी रखते हैं 1 मिनट के लिए साइड में। और अंदर देखते हैं एक चार्जर है, ऑफ कोर्स ये तो एक फास्ट चार्जर नहीं है, जहाँ पे लिखा गया 5 वोल्ट 2 एम्पियर होता है, बहुत सी चार्ज होगा, बट इसमें बुरा मानने की बात नहीं, काफ़ी अच्छा चार्जर है ये भी। और उसके साथ देखिए यहाँ पे एक दिया गया है साउंड मैक्स बॉक्स करके, जिसमें आप लोग मोबाइल रख के काफ़ी अपनी 0.1 वॉइस को थोड़ा 2 गुना ज़्यादा करके सुन सकते हैं, चाहे यूट्यूब वीडियो हो चाहे कोई ऑडियो हो। इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से कुछ रखते हैं, मैं एक सैंपल दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे इसे अगर खड़ा कर दिया तो देखिए, और मैंने वीडियो चालू नहीं की है तब भी आवाज़ एकदम से खुल करके यहाँ पर आ सकती है। वाकई में दोस्तों मैंने इसको ट्राई किया है, बहुत ही अच्छा इसका यूज़ है और आप यकीन करिए। और देखते हैं इस बॉक्स में क्या है, आगे पीछे ऊपर नीचे, जहाँ के ऊपर की तरफ कुछ देखने को मिल रहा है अगर मैं कैमरे के कामने सामने, तो यहाँ पे कुछ MRP लिखी 13,999, जबकि मुझे पड़ा है सिर्फ और सिर्फ 10,999 में। इसको भी करते हैं साइड में और देखते हैं असली मोबाइल में क्या है। तो दोस्तों आप यकीन करिए, इस मोबाइल के अंदर इस प्राइस पर ये मोबाइल मिलना शायद ही, ऐसे उसने बहुत ही अच्छा काम किया है। देखिए इसकी ग्लोसी फिनिशिंग,
मैं अगर रैपर को करूँ ऊपर तो नीचे से कुछ लाइट्स ऐसे दिखते हैं, जहाँ पे फुल 5.9 फुल प्लस एचडी डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, जिसकी एस्पेक्ट रेशियो है 18:9। और यहाँ पे देखे फुल ब्लैक मेटल डिज़ाइन है, और देखे वाह क्या ग्लोसी है। अगर आगे पीछे की बात करें तो यहाँ पे दिया गया स्टिकर, इसको मैं बाद में निकालूंगा। यहाँ 13 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल जो डेप्थ सेंसिंग के लिए लेस लगो। इसी के अंदर कुछ यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी दी गई, यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर, जिसके कि आपकी अनलॉक सुविधा एकदम से अच्छी हो। यहाँ पे है वो 3.5 jack mm, यहाँ पे USB Type-C केबल चार्ज के लिए, और यहाँ पे है आपका एक नॉइज कैंसिलेशन स्पीकर। यहाँ पे देखिए यहाँ पावर बटन, पावर अनलॉक और वॉल्यूम रॉकर्स हैं। ऊपर की साइड पे एक नॉइज कैंसिलेशन बटन, साइड में देखते हैं एक सिम ट्रे है, जहाँ पे देखते हैं चलो दोस्तों हाइब्रिड है या दो सिम एक साथ के साथ देखने को मिलता है। चलो हम इसको देखते हैं कैसा होता है। दोस्तों मुझे लगता है यहाँ पे शायद दो सिम और एक चिप के साथ हम लोग देख सकते हैं। वाह क्या अच्छी बात है, यहाँ पे आप दोस्तों बहुत ही कमाल की बात है, जहाँ पे दो सिम और एक चिप कार्ड साथ में लगा सकते हैं। इट्स अमेजिंग, इट्स एक्सटेंडेबल है यहाँ पे 256 GB के साथ। और यहाँ पे पीछे देखेंगे तो आगे साइड यहाँ पे कर्व भी बहुत ही अच्छा किया गया है, मैं बहुत ही खुश हूँ। यहाँ पे 8 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर्स हैं, इस पे एसोस ने कोई भी कमी नहीं की है सेंसर के मामले में। चलो मैं आपको बताता हूँ आगे क्या क्या है, इसको करते हैं थोड़ा सा बूट। तो दोस्तों बूट होते होते यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे एसोस का लोगो आ चुका है। देखते हैं स्टॉक एंड्रॉयड है या एंड्रॉयड क्या है, नोगट पे चलता है क्या है, इसके आके देखते हैं धीरे से करते हुए। एक्चुअली मैं वीडियो भगा नहीं सकता, तो साथ ही साथ इसको पीछे बैक साइड देखेंगे। तो यहाँ पे कैमरे काफ़ी अच्छे दिए गए हैं इस टाइम, और यहाँ पे पावर अनलॉक बटन भी बहुत ही काफ़ी अच्छा है स्टील मेटल डिज़ाइन पे। और ये हो गया है वीडियो ऑन और बूट, यहाँ पे बोल रहा है हाय डियर। अभी इसमें करते हैं हम लोग इसको सेटअप, तो सबसे चलो मैं शुरू करता हूँ इसकी सेटअप कैसे क्या हो सकती है। आप लोग दोस्तों साथ में बने रहेगा, बोर मत होइएगा। पहली बार मैं तीसरा अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ मोबाइल का, चलो मैंने किया स्टार्ट। यहाँ पे कुछ मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी किया सेटअप, और देखने को मिल रहा है यहाँ पे गया इंग्लिश US वर्जन पे, वहाँ पे जाके मैंने कर दिया ओके। वाईफाई पूछ रहा है, जो कि मेरे पास वाईफाई नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ स्किप कर रहा हूँ और स्किप कर रहा हूँ, देखता हूँ बाद में क्या कुछ अच्छा देखने को मिलता है। ये मैंने रीड किया, मैंने बोला नो, देखते हैं धीरे धीरे मैं क्या आगे क्या क्या इसमें सेटिंग्स देखने को मिलती हैं। एक्चुअली मैं चाहता तो इस पार्ट को कट भी कर सकता था, मैंने सोचा आप लोग के सामने है मोबाइल, आप लोग के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो सोचा क्या मैं इसको कट करूँ और क्या कैसा करूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने धीरे धीरे सब सेटिंग करता जा रहा हूँ, यहाँ पे काफ़ी अच्छा कुछ देखने को मिला है परफॉर्मेंस इसकी। और जहाँ पे अगर इसकी मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो फुल 5.99 इंच दोस्तों काफ़ी मज़ेदार है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। फुल एचडी डिस्प्ले है इसकी, रेजोल्यूशन भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। शायद कैमरे में कैसे क्या दिख रही है मुझे कुछ भी पता नहीं है। अगर इसको मैं स्किप करता हूँ यहाँ से देखते हुए, तो नया क्या देखने को मिलता है, इसका UI फीचर देखते थोड़ी देर में। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एंड्रॉयड ये है वो है ये है। दोस्तों जब तक मैं ये हो गया हमारा बूट, देखिए स्टॉक एंड्रॉयड है दोस्तों ये, काफ़ी खुश हो जाइए और आप लोग मेरे साथ बने रहिए। आगे मैं दिखाता हूँ इसमें क्या क्या सेटिंग्स है, क्या क्या एप्लीकेशंस है, और आपको किस तरीके से देखने को ये मिल रहा है। इसका UI काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, स्टॉक एंड्रॉयड है और ये एसुस ने पहली बार काफ़ी कुछ अच्छा हद तक अच्छा काम किया है। अगर मैं जाऊँ सेटिंग पे यहाँ पे देखूँ मैं इसके अंदर, तो इसकी रैम 32 GB मुझे मिली थी, जहाँ पे रैम और सब कुछ मिला के कुछ इस तरीके से लेआउट आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों मुझे तो काफ़ी बेहतरीन इसकी परफॉर्मेंस भी देखने को इस नज़रिए से दिखने में आ रही है। आप लोग अगर चाहते हो कि ये मोबाइल ये फ़ोन ये डिवाइस अगर आप लोगों को ख़रीदना है, तो आप बिग बिलियन डेज पे ये मोबाइल चल रहा है, आप लोगों को बहुत ही अच्छे डिस्काउंट्स पे ये मोबाइल मिलने को मिल सकता है, तो आज ही आप लोग ऑर्डर करिए, काफ़ी अच्छा है दोस्तों। मैंने तो इसको पहली बार नज़र में देखा था, तो मुझे काफ़ी डील इसकी अच्छी लगी। अगर इसके कैमरे की बात करें, यहाँ पे इसको अलाउ कर देते हैं, कैमरे पे शायद दिख नहीं रहा, थोड़ा सा मैं इसको एंगल सीधा करता हूँ। अगर मैं इसको कैमरे अलाउ कर देता हूँ, तो यहाँ पे दोस्तों कुछ पूछ रहा है, अलाउ कर देता हूँ। उसके बाद अगर मैं इसकी फ्रंट कैमरे की बात करूँ, 12 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल इसका डेप्थ सेंसिंग है। अगर मैं सामने इसकी फ़ोटो अगर अपने बॉक्स के जो सामने रखे थे उस कंटेंट्स की मैं अगर फ़ोटो खींच के दिखाऊँ, तो देखिए दोस्तों मुझे तो काफ़ी कमाल इसका परफॉर्मेंस लग रहा है। अगर मैं जूम करके इनको दिखाऊँ सामने से थोड़ा सा,
तो मुझे तो काफ़ी इनके एक एक डिटेल्स यहाँ पे अच्छी दिख रही है, MRP दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है। पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, बट मुझे काफ़ी यहाँ पे आप कैमरा वीडियो मोड यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सेटिंग भी जाके यहाँ पे आप वहाँ फुल 1080p पे आप इसकी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। काफ़ी खुशी की बात है दोस्तों, इसको काफ़ी देखिए। मेरे अगर फ्रंट की कैमरे की बात करो तो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और मैं अगर थोड़ा साइड करके अपनी पिक्स निकाल के यहाँ पे दिखाऊँ तो माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा कैमरा साइड हो गया है। इस मामले में देखो अभी साइड में मेरी फ़ोटो, और यहाँ पे एक दाढ़ी में कुछ व्हाइट सफ़ेद बाल भी दिख रहे हैं मेरे एक दो। वाह क्या ऑसम कैमरा है सर, मानना पड़ेगा इस Asus ZenFone Max Pro 1 को। तो आप लोग भी बने रहे साथ में, ये मोबाइल लेने का परफेक्ट टाइम है, ये बिग बिलियन डेज पे, ये फ्लिपकार्ट अमेज़ोन पे आप लोग का नंबर वन डील ये बन सकता है। अगर आप चाहते हैं कि इसी मोबाइल के साथ अच्छी डील हो सकती है तो आप, मुझे लगता है कि अमेज़ोन पे अच्छी डील हो सकती है, तो आज ही आप लोग फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन पे जाके इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अगर मैं सेटिंग भी बात करूँ तो यार कुछ इस तरह से जाता हूँ, जहाँ पे मुझे नए नए एप्लीकेशन देखने को मिल रही हैं, और यहाँ पे अगर मैं फिंगरप्रिंट की बात करूँ तो जाके देखता हूँ सेटिंग पे इसको कैसे कितने टैब्स पे हम लोग अनलॉक कर सकते हैं। चलो दोस्तों सिक्योरिटी पे जाना है पहले, सिक्योरिटी पे जाने के बाद वहाँ पे देखते हैं कि हम लोग अनलॉक इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने भाई बहुत ही ईजिली पिन के साथ फिंगरप्रिंट लगाने की कोशिश की है, जहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि क्या नंबर लगता है। सबसे ईजी टाइप करते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 7 4, और उसके बाद देखते हैं 1 2 3 4 7 1 2 3 4 7। उसके बाद अब ये पूछ रहा है कि फिंगर लगाओ, तो दोस्तों ये देखिए आपके सामने मैं पीछे टच कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये काउंटडाउन बहुत ही अच्छा है। 10 के अंदर में इसने अनबॉक्सिंग कर दिया है, आई मीन टू से इसने अनलॉक कर दिया है, बहुत ही फास्ट मुझे लग रहा है। चलो इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ये क्या मैंने टच, इंस्टेंट लॉक, इंस्टेंट अनलॉक। ओ माय गॉड, Asus ZenFone ने काफ़ी अच्छा कुछ हमें देने को यहाँ पे कोशिश की है। बहुत ही मुझे तो पसंद है इसका अनलॉक सिस्टम, एक फिंगर टच पे इसने बहुत ही कम समय, कुछ 0.5 सेकेंड लेने के बाद इसने। तो दोस्तों काफ़ी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और मेरी इस चैनल पे थर्ड अनबॉक्सिंग आप लोग कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा। आने वाले दिनों में मैं काफ़ी और सारे अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आपके लिए स्पेशल ऐसे मोबाइल्स अनबॉक्सिंग्स और काफ़ी ढेर सारी अच्छी सी चीज़ें आप लोग के लिए करने वाला हूँ। दोस्तों अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। कई टाइम ऐसा होता है आप लोग फुल वीडियो देखते हो और लाइक नहीं करते हो, काफ़ी निराशाजनक मुझे महसूस होता है। आप लोग मेरे हो अपने हो तो प्लीज़ एक लाइक बटन को हिट करना ना भूलेगा, और कमेंट करना भी ना भूलेगा। एक्चुअली मैं अनबॉक्सिंग पे नया था, अगर बोलने में काफ़ी ऊपर तकलीफ हुई होगी तो उसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ। हो सकता है आप लोग का प्यार और दुलार यूँ ही बनता रहे, तो उस दोस्तों साथ में बने रहिए। अगर आप लोग को Asus ZenFone Max Pro चाहिए तो आज ही Flipkart पे बिग बिलियन डे चल रहा है, Amazon पे SBI कार्ड पे भी 10% ऑफ चल रहा है, और Flipkart पे HDFC बैंक पे भी 10% ऑफ चल रहा है। आज ही जाके अपनी मन पसंद मोबाइल खरीदिए, मेरी मनपसंद मोबाइल Asus ZenFone M1 Pro।